Friend, today we will discuss about wildlife. You know wildlife. Wildlife क्या है? Organism live in its natural habitat. Organism live in its natural habitat. Organism live in its natural हैबिटेट. वो ऑर्गेनिज्म जो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं आर कॉल्ड वाइल्ड लाइफ एनिमल. नेचुरल हैबिटेट, यू नो हैबिटेट वेरी वेल, बहुत बार हम बता चुके हैं. हैबिटेट मीन बेटा कि लिव अ स्पेसिफिक प्लेस, कि उसका अपना एनवायरमेंट है. लिव इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, That is known as a wild life. कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपने हैबिटेट में रहते हैं, और जो हैबिटेट है यहां पर क्या है, फॉरेस्ट हैबिटेट है इनका, तो वाइल्ड लाइफ के अंदर. लेकिन अब एक प्रॉब्लम आई इन द रिसेंट ईयर, इन किसके अंदर, जो हाल ही के दिनों में, रिसेंट ईयर पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज गोज ऑन डिक्रीज. Population of wildlife species बोले, wildlife वैसे species अकेला भी बोल सकते हैं. Population of wildlife species goes on decrease. कि population क्या होती जा रही है इनकी, decrease होती जा रही है. क्यों? Due to ह्यूमन एक्टिविटी या बाई ह्यूमन एक्टिविटी. क्यों डिक्रीज हो रही है? बाई ह्यूमन एक्टिविटीज. तो ह्यूमन एक्टिविटीज क्या है, लाइक जैसे मेकिंग मॉल्स हैं, डेवलपमेंट हैं, बिल्डिंग्स हैं, रोड, सिटीज, इन सभी की वजह से क्या हो रहा है कि हम ट्रीट कर रहे हैं किसको, वाइल्ड लाइफ स्पीसीज को. सो तो अगला जो पॉइंट हम ले रहे हैं, थ्रेटन्ड स्पीसीज की, थ्रेटन्ड स्पीसीज क्या हैं, थ्रेटन्ड स्पीसीज, यू नो थ्रेटन्ड स्पीसीज जो स्पीसीज क्या हो रही है बेटा, उनको हार्म हो रहा है, दैट स्पीसीज आर नोन एज ए थ्रेटन्ड स्पीसीज. हम कौन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हमारी जो एक्टिविटीज हैं, हम जिसको डेवलपमेंट बोलते हैं, उसकी वजह से स्पीसीज क्या हो रही हैं, हार्म हो रही हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज ए थ्रेटन्ड. तो थ्रेटन्ड को हम कैसे डिफाइन करेंगे, स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल, स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल. किसकी स्पीसीज, प्लांट और एनिमल की स्पीसीज, हुज मेंबर, जिसके मेंबर हैं, हुज मेंबर क्या हो रहे हैं, वो मेंबर रिड्यूस और नियरली एक्सटिंक्ट, मेंबर रिड्यूस और नियरली एक्सटिंक्ट. और वो क्या हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, मींस खत्म हो रहे हैं, दैट इज नोन एज, उन स्पीसीज को बोला हमने थ्रेटन्ड स्पीसीज. यानी उनके ऊपर क्या है, मंडरा रहा है किसका खतरा, खत्म होने का, या फिर वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, दैट स्पीसीज आर नोन एज ए थ्रेटन्ड स्पीसीज. तो इसी के अंडर कौन, WHO, सॉरी IUCN, IUCN, ध्यान से देखें, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर, किसके लिए, ये एक क्या है, एक संस्था है, इसका क्या फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, इंटरनेशनल यूनियन फॉर
कंजर्वेशन, सॉरी बीच में क्या था, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन नेचर, सॉरी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्स दैट इज नोन एज IUCN। ये IUCN है, इसको आजकल जो है IUCN को हम बोल सकते हैं क्या कि ये वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन भी इसको बोल देते हैं, जो लेटेस्ट है वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन WCU, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। तो IUCN ने क्या किया, कुछ स्पीसीज को कैटेगराइज किया, IUCN कैटेगराइज कैटेगराइज स्पीसीज इनटू, किसमें कैटेगराइज किया गया, अब यहां थोड़ी समझने की बात है, हम देखेंगे कि कैटेगराइज किया गया इनटू वेरियस कैटेगरीज। कैसे, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म देखते हैं आप, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म आर फ्रीली अवेलेबल, बहुत रहते हैं, मींस वो स्पीसीज प्रेजेंट इन अ लार्ज अमाउंट, बट बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको आप बहुत कम देखते हो, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको आप रेयरली कभी कभार देखते हो, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनको हम केवल अब पिक्चर में ही देख पाते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप, ये अलग अलग हैं। तो देखें सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटेंट स्पीसीज, बहुत अच्छी चीजें हैं ये, ध्यान से पढ़ें। पहला है एक्सटेंट कर लो, एंडेंजर्ड कर सकते हैं, एंडेंजर्ड एंडेंजर्ड स्पीसीज। एंडेंजर्ड स्पीसीज क्या है, EN से भी लिख देते हैं, वो कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एंडेंजर्ड स्पीसीज आर वो एंडेंजर्ड जो, देखिए एज नेम इंडिकेट, जो खतरे में है, एंडेंजर्ड मींस जिनके बहुत सारे ऑर्गेनिज्म अभी जिंदा नहीं है, यदि इसी रेट से इनको क्या करते रहे, हम हंट करते रहे, शिकार करते रहे, या इनको यूटिलाइजेशन करते रहे, तो ये जल्दी ही क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाते हैं। सो एंडेंजर्ड जो कौन सी स्पीसीज हुई, विच बिकम, जो क्या एट द टाइम ऑफ एंडेंजर्ड बिकम एट द लाइन ऑफ, यानी या मूव टुवर्ड एक्सटिंक्ट, जो किधर जा रही है, मूव टुवर्ड एक्सटिंक्ट, सून बिकम एक्सटिंक्ट स्पीसीज विच सून बिकम एक्सटिंक्ट, या मूव टुवर्ड भी बोल सकते हो, कोई जरूरी नहीं है बुकिश लैंग्वेज करें या ये लैंग्वेज देखें, मींस मीनिंग सेम हो, स्पीसीज विच मूव टुवर्ड एक्सटिंक्शन, जो एक्सटिंक्शन की तरफ मूव कर रही है, मीन यदि यही रेट चलता रहा, यदि उसको बैलेंस नहीं किया गया, तो वो एक दिन केवल पिक्चर्स में ही रह जाएंगी, दैट आर नोन एज एंडेंजर्ड स्पीसीज। आप देखते हैं गोल्डन लंगूर फॉर एग्जांपल, गोल्डन लंगूर, बहुत सारी स्पीसीज हैं, कोई जरूरी नहीं अकेला गोल्डन लंगूर है, तो वो भी क्या है, एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आता है। उसके बाद है ब्लू वेल, आप देखते हैं ब्लू वेल, नाम सुना है, देख भी लेते हैं पिक्चर में, ब्लू वेल मीन अभी ये है बट बहुत ज्यादा नहीं है। देन एंडेंजर्ड नेक्स्ट इज अ एक्सटिंक्ट स्पीसीज। अच्छा एंडेंजर्ड से एक और भी है क्रिटिकल एंडेंजर्ड, क्रिटिकल एंडेंजर, क्योंकि कंटिन्यू हम कर लेते हैं, क्रिटिकल एंडेंजर, क्रिटिकल
क्रिटिकल एंडेंजर्ड मींस, देखिए एज नेम इंडिकेट, क्रिटिकल जो बिल्कुल ही बहुत ही रेयर बचे हैं, क्रिटिकल एंडेंजर्ड विच बिकम जो क्या हो जाएंगे एट हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन, एट हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन, हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन। ये समझ लीजिए कि वो खत्म होने वाली ही हैं, बहुत ही रेयर ऑर्गेनिज्म उनके प्रेजेंट हैं, दैट आर नोन एज ए क्रिटिकल एंडेंजर्ड, जैसे वुड पिकर है, फॉर एग्जांपल वुड पिकर। जितने भी आपको एग्जांपल देखने हैं आप अपना कहां पर गूगल पर जा सकते हैं, यूट्यूब पर जाके उनकी पिक्चर को देख सकते हैं कि वुड पिकर कैसा होता है, ब्लू वेल्स वगैरह तो आपने ऑलरेडी देख भी रखी होंगी। देन क्रिटिकल एंडेंजर्ड, उसके बाद है एक्सटिंक्ट स्पीसीज, एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट स्पीसीज। देखिए एज नेम इंडिकेट, लास्ट जो क्या हो, लास्ट मेंबर रिमेन्ड डेड, ये जो लास्ट मेंबर भी है वो मर चुका हो, जिसका मींस एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, जो खत्म हो चुकी हैं। जस्ट अभी बताया था केवल आप उनकी क्या देख सकते हो, पिक्चर देख सकते हो, उनकी लाइव मूवमेंट हम नहीं देख सकते क्योंकि वो क्या हो चुकी हैं, डेड हो चुकी हैं। लास्ट मेंबर क्या, ऑलरेडी डेड, लास्ट मेंबर रिमूव, खत्म हो चुका, लास्ट मेंबर रिमेन डेड। Of species remain dead. That is known as extinct species. जो extinct species हैं, जैसे कि फॉर example है passenger pigeon है, pigeon, passenger pigeon. पैसेंजर पिजन अब खत्म हो चुके हैं। देन उसके अलावा सी मिंक है, सी मिंक दे आर एक्सटिंक्ट, वो खत्म हो चुके हैं अब। फिर है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, एक्सटिंक्ट स्पीसीज जो खत्म हो चुकी हैं, देन एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। एज नेम इंडिकेट, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड मींस मेनली खत्म है, उनको केवल हम अपने अंडर, अपनी कस्टडी में रखकर कुछ को जिंदा रखा हुआ है, और ये बिल्कुल ही, ये आप समझ सकते हैं कि ये खत्म हो जाएंगे। एक्सटिंक्ट ओनली कैप्टिव, ओनली क्या है, कैप्टिव सर्वाइवल है जिनका, कैप्टिव इंडिविजुअल सर्वाइव। केवल कैप्टिव इंडिविजुअल ही सर्वाइव कर रहे हैं, नो फ्री इंडिविजुअल एग्जिस्ट इन आ पॉपुलेशन और इन वाइल्ड लाइफ, कोई भी उनका क्या, नो फ्री मेंबर, प्रेजेंट इन वाइल्ड लाइफ, कि उनका कोई भी फ्री मेंबर नहीं है, अंडर कस्टडी है, कैप्टिव इंडिविजुअल ही उनके प्रेजेंट हैं। That is, जैसे क्रो है, हेवेनियन क्रो, ये क्या है, केवल इसका लिखना चाहें हेवेनियन क्रो, ये बहुत रेयर है, केवल अंडर कस्टडी ही इसको रखा हुआ है, मे बी ये क्या हो सकता है, एक्सटिंक्ट हो सकता है। देन उसके अलावा जो होते हैं नियरली थ्रेटन्ड,
नियरली थ्रेटन्ड, नियरली थ्रेटन्ड जो क्या है, देखिए थ्रेटन्ड मींस जो खत्म होने वाले हैं, एग्जिस्ट इन स्मॉल नंबर, एग्जिस्ट इन जो केवल एग्जिस्ट इन स्मॉल नंबर। देखिए ये बहुत क्लोजली है सारी चीजें, लगभग हमने बताया। देखिए एंडेंजर्ड जैसे देखा मूव टुवर्ड एक्सटिंक्शन है मेंबर, लेकिन क्या हो रहे हैं एक्सटिंक्शन पर है। अब यदि किसी को देखे नियर थ्रेटन्ड मीन स्मॉल नंबर में है, लेकिन ये भी किधर जा रहे हैं कि मींस एंडेंजर्ड होने जा रहे हैं। लेकिन देखें तो स्टेप वाइज यदि मैं आपको बताऊं तो यहां देखेंगे क्रिटिकल एंडेंजर्ड एक्सटिंक्ट को खत्म हो चुके हैं, क्रिटिकल एंडेंजर्ड जो बिल्कुल जस्ट लाइन के ऊपर है कभी भी खत्म हो सकते हैं। फिर है एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड मींस खतरे में है कि वो खतरे में है, आने वाले टाइम में खत्म हो सकते हैं। उसके बाद नियरली थ्रेटन्ड कि भाई है मेंबर तो है बट वो क्या कर रहे हैं मींस यदि इसी हिसाब से उनको हम हंट करते रहे शिकार करते रहे तो वो क्या करेंगे कि डेड हो जाएंगे, वो जल्दी खत्म हो जाएंगे। जैसे गोल्डन कैट, इसका देखें गोल्डन कैट, ये क्या है, दीज आर द एग्जाम्पल मींस ये केवल इसका मतलब नियरली थ्रेटन्ड हर जगह नहीं देख सकते, सर्टेन रीजन में होते हैं, प्रेजेंट इन सर्टेन रीजन, प्रेजेंट इन सर्टेन रीजन। देन वेल्युएबल, नेक्स्ट वन इज वेल्युएबल, यानी वेल्युएबल मूव टू एंडेंजर्ड कैटेगरी मींस जो किधर मूव कर रहे हैं, मूव टुवर्ड एंडेंजर्ड कैटेगरी, जो एंडेंजर्ड की तरफ जा रहे हैं। तो एक बार मैं फिर, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, जो देखे जैसे नीलगिरी लंगूर है, नीलगिरी, अब देखो एक बार फिर बताता हूं, थोड़ा सा आपको फिर ध्यान देना पड़ेगा। हम स्टार्ट करें एक्सटेंट से जो खत्म हो चुके हैं, क्रिटिकल एंडेंजर्ड जो बिल्कुल लाइन के ऊपर है, एंडेंजर्ड जो अभी है होत रेयर बट पहले क्या बनेंगे क्रिटिकल, उसके बाद खत्म। उसके बाद एक्सटेंशन इन वाइल्ड, केवल क्या है हमारी कस्टडी में है, फ्रीली नहीं घूम रहे हैं, नियरली थ्रेटन्ड जो है बट धीरे धीरे क्या होंगे, पहले वो पहले एंडेंजर्ड बनेंगे फिर क्रिटिकल बनेंगे, सॉरी एंडेंजर्ड बनेंगे फिर क्रिटिकल एंडेंजर्ड बनेंगे फिर एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। उसके बाद वेल्युएबल्स जो जा रहे हैं, मतलब एंडेंजर्ड अभी है नहीं लेकिन हो जाएंगे, मिलते हैं अभी बट वो क्या हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे। तो ये हो गए क्या योर सम डेफिनेशंस और सम कैटेगराइजेशन ऑफ स्पीसीज। एंड मोर अपडेट कनेक्ट विद अस ऑन आवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स।